सो हे गाइस, हाउ आर यू ऑल? दिस इज योर होस्ट इंजीनियर अभिषेक सिंह एंड यू आर वाचिंग माय मैकेनिकल सपोर्ट। गाइस, आज मेरे बाइक यानी कि पैशन प्रो में एक बहुत बड़ी फॉल्ट आ गई है और कुछ दिनों से दोस्तों ये फॉल्ट चली आ रही है। चलिए आज मैं आपको इसको घर पे ही किस तरीके से सॉर्ट आउट करते हैं ये वीडियो में आपको बता। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है कि बाइक स्टार्ट करके मैं इसका जो प्रॉब्लम है वही आपको दिखा दे रहा हूँ। देख सकते हैं दोस्तों कि बाइक जिस तरह से मैंने स्टार्ट किया ऑटोमेटिक, ये बिल्कुल जो रेस जो है वो अपने निचला पैदान पे, ठीक है, फिर भी देख सकते हैं कि बिल्कुल रेस ऑटोमेटिक ले रहा है। ठीक है, तो इसको किस तरीके से शॉर्ट आउट करते हैं चलिए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों दिखाता हूं। तो सबसे पहले क्या करना होगा कि दिक्कत कहां पे आती है, इस तरीके की अगर प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं तो आपको सबसे पहले आपका जो ये एक्सलेटर वायर है दोस्तों इसको देखना चाहिए, ठीक है, और फॉल्ट मेरा इसी एक्सलेटर वायर से है। तो दोस्तों इस सेम प्रॉब्लम का मेरे पास दो सॉल्यूशन है। पहला सॉल्यूशन थोड़ा सा महंगा है दोस्तों और दूसरा सॉल्यूशन बिल्कुल फ्री है। पहला सॉल्यूशन थोड़ा सा महंगा है दोस्तों और मिस्त्री को जो पसंद आता है वो ये है कि ये जो एक्सलेटर वायर है दोस्तों इसको चेंज कर दिया जाए। तो इसको जब चेंज करने जाएंगे तो एक्सलेटर वायर का दाम 90 से 95 रुपए का आएगा और आपका जो मिस्त्री फिटिंग चार्ज कम से कम 20-30 रुपया तो वो लेंगे, ठीक है, मात्र 5 मिनट का काम है। 20-30 रुपए तो वो आसानी से लेते ही हैं, गाड़ी को छू देंगे तो 20 रुपया उनका बन जाता है। तो इसका मतलब है दोस्तों आपको 110 से 120 रुपए का खर्चा एक्सलेटर वायर चेंज करने में आएगा, ठीक है। और दूसरा वाला जो तरीका है दोस्तों वो बिल्कुल फ्री है, घर पे आसानी से बना सकते हैं। मतलब कि आप घर बैठे बैठे 5 मिनट दे करके पूरे 120 रुपए की आप बचत कर सकते हैं। अगर आपके पास ये एक स्क्रू ड्राइवर हो दोस्तों तो दूसरा वाला जो फ्री वाला टेक्निक है दोस्तों वो आपके लिए बिल्कुल कारगर है, बस आपके घर में ये स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला वाला जो खर्चीला है दोस्तों वो तो आप मिस्त्री के पास जा करके वैसे भी बदलवा सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं जो फ्री वाला घर में किस तरीके से बना सकते हैं ये मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाने वाला हूं। आप देख सकते हैं दोस्तों ये जो एक्सलेटर वायर है, ठीक है, कहाँ कहाँ से आए ये देखिए, ये जो है ये वायर है, ठीक है, ये यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे आ रहा है, आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे चला जा रहा है। और फिर दोस्तों ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं ये वाला पार्ट, ये देखिए मैं जूम कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है एक्सलेटर वायर हमारा यहीं वाला यहीं पे आया, ठीक है। और ये दोस्तों यहां से कंट्रोल करता है कि कार्बोरेटर में हमारा कितना ऑयल जो है वो जाएगा, ठीक है, और उससे हमारी बाइक की स्पीड या फिर रेस जो है वो तय होती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जो ये एक्सलेटर है उसके बगल वाला जो स्क्रू है दोस्तों दोनों स्क्रू को खोलना है। चलिए मैं आपको खोल के दिखा देता हूं। और इसका पहचानने का तरीका है दोस्तों बिल्कुल भी हमारा जो एक्सलेटर का जो प्ले था बिल्कुल दोस्तों चला गया, आप देखेंगे बिल्कुल आपको ये टाइट लगेगा, ठीक है, स्टार्टिंग से ही लगेगा कि एक्सलेटर वायर दोस्तों मैं खींच रहा हूं, ठीक है, बिल्कुल भी प्ले नहीं है, देख सकते हैं यहां पे। तो चलिए इस स्क्रू को दोस्तों पहले खोलते हैं और बिल्कुल स्टेप वाइज दोस्तों मैं दिखाने वाला हूं, इसलिए आपको कोई भी दिक्कत समस्या नहीं होंगी क्योंकि मैं कोई भी इसमें स्टेप दोस्तों कट नहीं कर रहा हूं। ये देखिए दो स्क्रू होते हैं, बिल्कुल आसानी से दोस्तों स्क्रू ड्राइवर की मदद से दोस्तों इसको खोल सकते हैं और आगे का प्रोसेस मैं आपको दिखाते चल रहा हूं दोस्तों। अब आप ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों, दोनों स्क्रू निकालने के बाद में पूरा का पूरा जो सेटअप है वो आसानी से दोस्तों आप जो है वो बाहर की तरफ खींच सकते हैं। आप देख सकते हैं ये जो है वो बहुत ही सही तरीके से आसानी से ये निकल गया दोस्तों। उसके बाद क्या करना है कि जो वायर है वहाँ पर एक्सलेटर वाले में फंसा हुआ रहता है दोस्तों, उसको इस तरीके से निकाल लेना है। अब ये पूरा सेट हमारा बाहर हो गया है, इसके बाद आपको करना क्या है दोस्तों ये आप ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा। ये जो वायर है सबसे पहले दोस्तों इसको जो है वो आपको निकालना है दोस्तों। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं कि एक्सलेटर वायर से किस तरह से प्रॉब्लम था, अब जो है वो बाइक को स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं दोस्तों यहां से बिल्कुल रेस नहीं लेने की वजह से हमारी बाइक जो है वो बंद हो जा रही है। और पहले क्या होता था कि ये ऑटोमेटिक दोस्तों रेस लिए रहता था, मतलब कि जो बीमारी है वो इसी वायर से है। तो चलिए आपको दिखाता हूं कि इसको किस तरीके से दोस्तों रिपेयर करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये पूरा का पूरा जो बीमारी का जर है वो यही वायर है दोस्तों। तो इसको रिपेयर किस तरह से करते हैं आपको इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं एक दोस्तों नट दिया हुआ है, उसको इस तरीके से खोलना है। ये दोस्तों देख सकते हैं पूरा वायर जो है हमारा अलग हो गया है। अब इसके बाद में क्या करना है ये भी आप देखिए दोस्तों, इसके बाद में इस
नट को इस तरीके से आपको बाहर कर लेना है। बाहर करने के बाद में दोस्तों इसको हटा देना है, और उसके बाद में डायरेक्टली जो है वो आप देखेंगे, ये देख सकते हैं दोस्तों कि किस तरीके से ये वायर हमारा काम करता है। ये देख सकते हैं बाइक हमारा बिल्कुल भी रेस नहीं ले रहा है दोस्तों, मतलब कि ये वायर जो था यही रिस्पॉन्सिबल था हमारे प्रॉब्लम का। तो इसके लॉन्ग लास्टिंग के लिए दोस्तों इसमें आप ऑयलिंग कर सकते हैं ताकि ये बिल्कुल फ्री रहे। बिल्कुल वीडियो पे बने रहिए दोस्तों, पूरी चीज़ें बताई जाएगी। अब दोस्तों आप देख सकते हैं जो नट था उसको निकालने के बाद में डायरेक्टली जो है वो ऑयल डालने के बाद में और कुछ भी नहीं किया गया, और इसमें दोस्तों डायरेक्टली जो है इसको इस तरीके से घुमा करके आपको फिट करना है, ठीक है, बिना नट का। दोस्तों देख सकते हैं इसको जो है वो फुल टाइट इस तरीके से हम कर देते हैं। फुल टाइट करने से दोस्तों हमें फायदा ये होगा कि थोड़ा सा जो हमारा नट का जो जगह था वो हमें मिल चुका है, और इससे क्या होगा जो हमारा एक्सलेटर वायर था वो थोड़ा सा और लेंथ गेन कर चुका है, तो इससे हमारा प्ले बच जाएगा, और प्ले जब दोस्तों बन गया हमारा तो फिर एक्सलेटर वायर सही तरीके से काम करेगा दोस्तों, और ये रेस वाला जो प्रॉब्लम था ये भी सॉर्ट आउट साथ ही साथ हो जाएगा। आपको दोस्तों यहां पे भी थोड़ी सी इसकी सफाई करने के बाद में ऑयलिंग कर देना है। बहुत ही डिटेल में दोस्तों वीडियो बनाई जा रही है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। दोस्तों जिस तरह से हमने इसको खोला था ठीक उसी तरीके से दोस्तों आपको फिट करना है, बहुत ही आसानी से। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वायर है दोस्तों उसको व्हाइट वाला जो पोर्शन है, चलिए मैं आपको इधर से दिखाता हूँ उसको। दोस्तों वायर को इस तरीके से फिट करने के बाद में वो अपने खांचे पे चला गया वायर। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि बस स्क्रू के सहारे ऊपर और नीचे वाला जो पार्ट है इसका, इसमें आपको दोस्तों स्क्रू फंसा करके इस तरह से टाइट करना है, और फाइनल रिजल्ट देखे बिना दोस्तों वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना, ये वाला जो वायर था उसको इसमें खांचे में बैठाने के बाद में दोस्तों आप देख सकते हैं कि ऊपर वाला जो कवर था उसको इस तरीके से फिट किया जा रहा है, और जो हमारा स्क्रू था उसमें भी थोड़ा सा ऑयलिंग कर देते हैं, उसमें थोड़ा सा रस्ट लग गया था दोस्तों क्योंकि बाइक वगैरह को धोने से उस पर थोड़ा सा इफेक्ट तो पड़ता ही है। तो इसलिए जब भी आप किसी पार्ट की रिपेयरिंग करते हो दोस्तों उसके पूरे कंपोनेंट की अच्छे तरीके से सफाई करें, और साथ ही साथ जितना हो सके दोस्तों ऑयलिंग ग्रीसिंग करते रहें ताकि आपका पार्ट्स का जो लाइफ स्पैन है वो थोड़ा सा बढ़ जाए। और ये टाइट करने के बाद में दोस्तों चलिए मैं आपको अब जो है वो इसकी टेस्टिंग दिखा दोस्तों। जो पहला इंप्रूवमेंट आपको दिखेगा कि यहाँ पे थोड़ा सा प्ले आ गया, ये देखिए ये पहले नहीं होता था, ठीक है। वीडियो को स्टार्टिंग में से देखेंगे तो ये प्ले नहीं था, डायरेक्ट यहां से स्टार्ट होता था इस तरीके से, ठीक है। लेकिन अब ये फ्री वाला प्ले जो है ये जरूरी है ताकि आपका जो वायर है वो टेंशन में ना रहे, खिंचाव में रहेगा दोस्तों तो वो रेस ले गए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा प्ले है और इसके बाद में ये स्टार्ट हो रहा है, तो अब सही है, चलिए बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों बिल्कुल नॉर्मल साउंड सुनिए, वीडियो के पहले जो साउंड था वो सुनिए, और वीडियो के अंत में जब ये साउंड सुना रहा हूं ये सुनिए दोस्तों, आपको डिफरेंट पूरा पता चल जाएगा। तो आप देख सकते हैं मतलब कि हमारा जो प्रॉब्लम था वो अब सॉर्ट आउट हो चुका है, ये ऑटोमेटिक रेस जो है वो नहीं ले रहा है। तो फिर मिलते हैं, इजाजत दीजिए, नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।